हेलो गाइस, अरमा सेनपाई के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आई एम क्विटिंग हीरोइन के एपिसोड 11 को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इकिडना अपना बाइंडिंग स्पेल प्रिपेयर करती है और लियो पर डायरेक्ट अटैक कर देती है, बट उसे लगता है कि लियो अटैक को डोज करने वाला है, तो उसने कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं किया एंड वो मरने वाली है। बट लियो अटैक को डोज नहीं करता एंड और अपनी डेथ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और जाते जाते थैंक यू बोलता है। लियो हमें अपना पास्ट बताता है, जिसमें सभी DH रोबोट्स अपने क्रायो चेंबर में बंद है और उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है कि उन्हें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है इविल से। एंड लियो डीमन हार्ट अपने मिशन पर निकल जाता है इसी वजह से, और मास्टर ईब्राट ने जैसा कहा था लियो के साथ वैसा ही होता है। उसने स्टार्टिंग में तो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करके अपना पर्पस फुलफिल कर दिया और पावरफुल एनिमीज को हरा के पीस क्रिएट कर दी। लोगों ने सेलिब्रेट भी किया उस टाइम पे एंड लियो ने भी किया, बट थोड़े टाइम तक पीस चलती रही और वर्ल्ड को लियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बट देन लियो फिर से अपने मोटिव को ढूंढने के लिए वॉर में लड़ने के लिए चला गया, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर उसके बाद डीमन वर्ल्ड ने इन्वेजन किया, लियो उसको भी हराने के लिए चला गया एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका मोटिव इस वर्ल्ड में सिर्फ प्रोटेक्ट करना है। और ऐसे ही धीरे धीरे 1000 साल बीत गए, वो एंडलेसली वर्ल्ड में बैटल के लिए ट्रैवल करने लगा एंड साइंटिस्ट का जो मोटिव था वो कम्प्लीट हो गया। लियो एक इमोर्टल बायोवेपन फाइनली बन गया जिसे कोई नहीं हरा सकता। फिर से पीस आ गई, बट वो मेंटली पीस नहीं चाहता था। लियो का छोटा सा हिस्सा माइंड का कॉन्फ्लिक्ट चाहता था और क्रेव करता था उसको, जिससे उसके एग्जिस्ट होने का एक रीज़न हो और लोगों को उसकी फिर से ज़रूरत पड़े ताकि वो फिर से ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। एंड सडनली उसे थॉट आता है कि अगर वो खुद ही ह्यूमैनिटी को हार्म पहुंचाने लग जाएगा और उन्हें फिर से प्रोटेक्ट करेगा तो उसका मोटिव पूरा हो जाएगा। लेकिन DH सीरीज में एक स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से वो ह्यूमैनिटी को हार्म पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन लियो के अंदर ईगो और पर्सनैलिटी आने की वजह से उसका फंक्शन डिसेबल हो चुका है एंड वो खुद ही अपने पर्सनली डिजाइंड हीरोज़ को बनाने लगता है एंड उन्हें ऑर्डर देता है कि वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दे ताकि वो खुद उन्हें बचा सके बाद में, ताकि लियो को लाइफ में एक पर्पस मिल जाए फिर से। बट एक दिन टाउन में जब डीमंस अटैक करने आते हैं तो लियो को रियलाइज़ होता है कि जो काम वो खुद कर रहा है वो किसी ईविल से कम नहीं है, इसलिए वो सभी ह्यूमनाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने वाला था, इसलिए वो अपने आप को ईविल समझने लगता है। एंड थोड़े दिनों के बाद उसे डीमन आर्मी से डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना है वहाँ पे किंग के ऑर्डर से, लेकिन उसका खुद का मोटिव अपने आप को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन उससे पहले वो अपने आकाशिक इंजन यानी फिलोसोफर स्टोन को किसी ट्रस्ट वर्दी को देना चाहता है एंड मेक श्योर करना चाहता है कि उसके बाद जाने के बाद ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने वाला हो जो उसकी जगह ले सके। एंड तभी वो एक इकिडना की तरफ देखता है जो अपनी डीमन आर्मी को कहती है कि अननेसेसरी किलिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें पीसफुली अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहिए। एंड लियो ये देखकर रियलाइज करता है कि क्वीन इकिडना कितनी काइंड है, इसलिए वो डीमंस सक्यूबस एम्स को कैप्चर करके उनसे क्वीन इकिडना के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है। एंड वो सभी बताते हैं कि क्वीन इकिडना एक बहुत अच्छी क्वीन है जो डीमन वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहती है एंड फ्रंट लाइंस पर उनके साथ बैटल करती है और सभी को इक्वली ट्रीट करती है। और इकिडना पर पर्सनली नज़र रखने के बाद वो डिसाइड करता है कि इकिडना उसकी सक्सेसर बनेगी जो ह्यूमंस और डीमन को ब्रिज बनाएगी उनके बीच में। और उसी दिन लियो अपनी जर्नी पर स्टार्ट कर देता है एंड सभी जनरल्स को एक एक करके डिफीट करने के बाद वो सीधा उनके जनरल्स की पर्सनैलिटी के बारे में जानता है जो एक अच्छे लोग हैं। एंड फाइनली क्वीन इकिडना से बैटल करने के बाद उसने डिसाइड किया है कि इकिडना फिलोसोफर स्टोन के लिए वर्थी है एंड फाइनली उसकी डेथ का टाइम आ गया है। इकिडना लियो की स्माइल को देखकर शॉक हो जाती है कि क्या लियो सच में यही चाहता है। इकिडना की खुद की बॉडी को उसका सारा मेना खत्म होने लग जाता है एंड वो बस 6 सेकेंड्स के लिए ही लियो को होल्ड कर सकती है। एंड इसी टाइम में लियो जितने भी उसने सेल्फ एनहांसमेंट टेक्निक को कॉपी किया था वो सारी बाउंडिंग स्पेल की वजह से यूजलेस हो जाती है और उसकी पूरी लाइफ उसकी आंखों के आगे फ्लैश होने लगती है। लियो देखता है कि इकिडना बहुत पेन में है, बट उसे बिलीव है कि इकिडना और उसके कॉमरेड जरूर सक्सेसफुल होंगे। इकिडना अपनी प्रेमोनिशन के बारे में रिमेंबर करती है जब लियो उस पर अटैक करने आया था। उसे लगा था कि उसने लियो का नेम पढ़ा है एक स्पेल के अंदर, बट वो 100 साल पहले हुआ था स्पेल, इसलिए वो बिलीव नहीं करते कि कोई ह्यूमन इतने टाइम तक जिंदा रहेगा। इकिडना को बस एक कोइंसिडेंस लगता है, बट ये नहीं होता एंड उसे फाइनली बिलीव हो चुका है कि वो लियो ही था जिसने सभी डीमन किंग्स को पिछले 3000 सालों में डिफीट किया। एंड उसके पास ना तो कोई फ्रेंड, ना खुद का घर और पूरी लाइफ उसने अकेले ही बिताई। सभी जनरल धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं एंड लियो सोचता है कि उसने आज तक कोई भी एलाय नहीं बनाया जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, बट इकिडना के आगे ये सिचुएशन डिफरेंट है।
इकिडना को लियो के लिए सिंपथी फील होने लगती है एंड लियो रियलाइज करता है कि उसे बस एक फ्रेंड चाहिए था जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाए और उसे सेव करे एंड उसे एक्सेप्ट करे वो जैसा है। एंड इकिडना ही नोटिस कर लेती है एंड वो उसे बचाने के लिए तैयार है, बट अगर लियो यही चाहता है सच में कि वो हीरो की डेथ मरे तो वो उसे वही देगी बेशक उसे अपना सेक्रीफाइस क्यों ना देना पड़े। दोनों रियल्म को रियूनाइट करने के लिए इकिडना अपने जनरल्स को फाइट करने का ऑर्डर देती है एंड वो सभी लियो पर स्ट्राइक करके उसे डिफीट कर देते हैं एंड लियो की डैमेज बॉडी नीचे गिर जाती है। एंड इस पूरे सीन में सभी जनरल्स की आंखों से आंसू निकल गए हैं, बट अब बाय कहने का टाइम आ चुका है एंड वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।